अगर आप भी प्ले स्टोर में कोई ऐप, गेम, बुक्स को डाउनलोड या उसको अपडेट करने के लिए जाते हैं और वो अपडेट या डाउनलोड नहीं होता है, इस तरीके से पेंडिंग लिखा रहता है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के सेटिंग्स में चले आएंगे। सेटिंग्स में आने के बाद आप इसको थोड़ा नीचे ले जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक सेटिंग्स मिलेगा ऐप्स करके। आपके मोबाइल में कुछ ऐप मैनेजमेंट या ऐप सिस्टम भी हो सकता है, सो आप इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद मैनेज ऐप्स का फिर से एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जितने भी ऐप्स है वो सारे यहाँ पे आ जाएगा। आप अगर चाहे तो यहीं से प्ले स्टोर को एक एक करके ढूंढ लेंगे, और अगर आप चाहे तो यहाँ पे लिख के जल्दी से ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्ले स्टोर लिखेंगे तो प्ले स्टोर यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ पे आप क्लियर डेटा पे क्लिक कर लेंगे। क्लियर डेटा पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पे आ गया कि क्लियर ऑल डेटा, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे ओके कर लेंगे तो यहाँ से हमारा काम हो चुका है। अब आप यहाँ से बैक आएंगे और अपने फोन के प्ले स्टोर ऐप में आप आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको कुछ सेटिंग्स कर लेनी है। प्ले स्टोर ओपन हो चुका है। देन यहाँ पे आप अपने प्रोफाइल लोगो देख सकते हैं, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप फिर सेटिंग्स को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दूसरे वाले ऑप्शन नेटवर्क प्रिफरेंस, आप इस पे टिक करेंगे। आप इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से फिर नया पेज ओपन होकर आएगा। उसके बाद यहाँ पे आप फर्स्ट वाले में देख सकते हैं कि ऐप डाउनलोड प्रिफरेंस, आप इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका ओवर एनी नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका वाईफाई वाले में रहेगा तो आप इसको हटा के ओवर एनी नेटवर्क पे कर लेंगे। उसके बाद डन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद दूसरे वाले ऑटो अपडेट एप्स, इसको भी आप सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे आप सबसे लास्ट वाला डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप, इस पे डन कर लेंगे। देन यहाँ पे फिर से आप ऑटो प्ले वीडियोस को सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे डोंट ऑटो प्ले वीडियोस को सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हमारे मोबाइल में सारे सेटिंग्स हो चुका है। चलिए अब हम आपको कुछ इंस्टॉल करके दिखाते हैं। अब मैंने इसको इंस्टॉल करने के लिए लगा दिया। यहाँ पे एक दो सेकंड पेंडिंग लिखा रहेगा लेकिन अब ये इंस्टॉल होने लगेगा। आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल इजीली होने लगा है। सो गाइस, इस तरीके से आप अपने प्ले स्टोर में ये सेटिंग्स को कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।